हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आरबीआई ने छठी मौद्रिक नीति जारी कर दी है, अतः इसके बारे में हमें डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिक्स बायो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की गई है, जबकि इसको रिलीज करने में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो इसके हेड शक्तिकांत दास थे, जो आरबीआई के गवर्नर हैं। इसके मेंबर की बात करें तो डॉक्टर चेतन घाटे, डॉक्टर पामी दुआ, डॉक्टर रविंद्र एस ढोलकिया, डॉक्टर जनक राज और डॉक्टर माइकल देबा ब्राता पात्रा इसके सदस्य थे। फ्रेंड, अगर हम बात करें इसमें बाय मंथली पॉलिसी में आरबीआई के द्वारा पूरे रेट जारी किए गए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसमें अगर हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स, में रेपो रेट 5.15% है, रिवर्स रेपो रेट 4.90% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.40% है, बैंक रेट सेम 5.40% है। चारों रेट को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। साथ में अगर यहां पे बैंक यहां पर रिजर्व रेशियो की बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो फ्रेंड्स 4% है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो 18.25% है। यहां पे जीडीपी के प्रोडिक्शन की बात करें तो 2020-21 के लिए आरबीआई ने जीडीपी का प्रोडिक्शन 6% बताया है, जबकि फाइनेंशियल 2020 में यह 5% था। साथ में सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसके हाफ ईयर 2020-21 में 5.4 से 5% रहने का अनुमान आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। फ्रेंड्स, अगर यहां पे हम थोड़ा सा ये रेड कलर से देखिए, जो मेन चीज है आपको इसको याद रखना है, जैसा मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया था फिर भी एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का प्रोजेक्टेड जो फाइनेंशियल 2021 के लिए 6%, जबकि 2020 के लिए 5% था, इसको मैंने रेड कलर से बताया, अतः इससे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ये आरबीआई ने प्रेडिक्शन 6% बताया है जीडीपी का, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो 31 जनवरी 2020 को जो रिलीज हुई थी, इसमें जीडीपी का जो एस्टीमेशन है वो 6.5% है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यहां पर हम कुछ कीवर्ड्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। रेपो रेट, रेपो रेट उस रेट को कहते हैं जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों से पैसा जिस रेट पर लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो उस रेशियो कहते हैं जिसमें एक बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट रखता है, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में 4% है। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो इसमें बैंक अपने पास ही एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करके रखता है, जिसमें सिक्योरिटीज कैश या गोल्ड के रूप में हो सकता है। वर्तमान समय में यह 18.25% है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट उस रेट को कहते हैं जिस रेट पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कमर्शियल पेपर परचेस कर लॉन्ग टर्म के लिए बैंकों को पैसा देता है, उस रेट को बैंक रेट कहा जाता है। अगर यहां पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की बात करें तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट उस रेट को कहते हैं जिसमें ओवरनाइट यानी ओवरनाइट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख करके जब कोई शेड्यूल्स बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है तो उस रेट को ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहां पे अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के द्वारा। डिप्टी गवर्नर चार है, बीपी कानूनगो, एमएस विश्वनाथन, महेश कुमार जैन और माइकल देबा ब्राता पात्रा इसके एज ए डिप्टी चेयरमैन है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो
ये चारों के चारों डिप्टी गवर्नर है फ्रेंड्स, जबकि राइट नाउ गवर्नर शक्तिकांत दास है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरह के आपको हमेशा वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।